हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इस पीएसएम के प्लेलिस्ट में अबाउट द सेक्स रेशियो एंड व्हाट इज पीएनडीटी एक्ट। सो बहुत ही एक क्रूएल टॉपिक भी बोला जा सकता है या फिर क्रूएल कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है इसको। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर ऑफ द सेक्स रेशियो एंड पीएनडीटी एक्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज इफ यू रियली लाइक माय लेक्चर वीडियोस। ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट विद द सेक्स रेशियो एंड पीएनडीटी एक्ट कॉन्सेप्ट। नाउ, तो क्यों पढ़ना चाहिए फर्स्ट थिंग को, हमें सेक्स रेशियो क्यों जाना चाहिए? तो ये बता के देता है सेक्स रेशियो क्या है। 1000 मेल्स को कितनी फीमेल्स है, एक 1000 का पॉपुलेशन ऑफ द मेल्स लिया जाए तो टोटल उसके लिए तो 1000 फीमेल्स है क्या नहीं है, इट मे बी इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। ओके, यहाँ पॉपुलेशन गिना जाता है ना कि द एज। 15 इयर्स भी हो सकता है, 44 इयर्स हो सकता है, 50, 60, 70, कौन से भी इयर्स का पॉपुलेशन या फिर टोटल पॉपुलेशन भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, छोटा बच्चा भी, इन्फांट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो कितने सारे मेल फॉर पर 1000 मेल्स कितने फीमेल्स है, कितने फीमेल्स इस पॉपुलेशन में रहते हैं, तो इसको बोलेंगे सेक्स रेशियो। ओके, इट डिटरमाइन सेक्स रेशियो इज डिटरमिनेंटल, इट इज टेल्स अस हाउ मच इक्वालिटी और इक्वालिटी कितना है एक स्त्री में और एक पुरुष में, कितना अंतर सोशियो इकोनॉमिक में या फिर एक सोशल कंट्री में उनको कितना स्टेटस दिया जा रहा है। ओके, दैट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे दिया जाता है सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रीवेलिंग इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल एज ए फीमेल्स इन सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक तो कितना इक्वालिटी है बिटवीन वुमन एंड मेल्स। ओके, इट इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर फीमेल रेशियो अगर डिक्लाइन है तो फीमेल पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे इट इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर दैट देयर इज अ मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मैटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा है बोल के यहाँ पे इंडिकेट करता है। दूसरा थिंग इंडिकेट करता है फीमेल इन्फेंटिसाइटिस, कन्या भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। तो फीमेल इन्फेंटिसाइटिस का रेट हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट हाई है, यहाँ पे ये बता के देता है। जब फीमेल सेक्स रेशियो में फीमेल का जो फिगर है, कैलकुलेशन है, मैग्नीट्यूड है, जो कम रहेगा तो तब जो है यहाँ फीमेल पॉपुलेशन कम जब रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है और फीमेल इन्फेंटिसाइटिस जो है कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा हो रहा है सोसाइटी में, तो होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यहाँ पे जो एक्सीड हो रहा है। तो इंडिया के प्रेजेंट स्टेटस जो है 940 मतलब हर 1000 मेल्स पॉपुलेशन में वो वन के लिए तो 940 फीमेल्स जो है अवेलेबल रहते हैं, तो इट इज 940। तो केरला इज द बेस्ट स्टेट क्योंकि फीमेल रेशियो हायर है, 1084 सेंसस बताता है कि 1084 जो है फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन इन द इंडिया। तो केरला हैट्स ऑफ। तो एनीवे, तो अभी आएंगे पीएनडीटी एक्ट। व्हाट इज दिस पीएनडीटी एक्ट, पीएनडीटी एक्ट क्या रहता है और क्या बता के देता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ये रेगुलेट पीएनडीटी एक्ट 1994 में लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, पीएनडीटी एक्ट बताता है कि जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के सेमेस्टर पे हम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उस दौरान अगर पेट के अंदर जो फीटस जो है उसका अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कोई भी डॉक्टर, कोई भी क्लिनिशियन जो भी करता है तो उसको जो है स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1994 अंडर द पीएनडीटी एक्ट। तो पीएनडीटी का एक्ट जो फुल फॉर्म रहेगा प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ओके, सो पीएनडीटी का मतलब रहेगा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। व्हाट इट डज, इट रेगुलेट्स एंड प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स। तो किस लिए करते हैं, तो भाई अगर ये बुरा है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक के ऊपर कोई एक्ट लगा हुआ है तो बट इसका यूसेज क्यों किया जाता है। तो पहली बात तो डिक्रीज द मैटरनल मोर्टेलिटी, तो अगर अंदर प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर बच्चा जो फीटस जो है उसका कोई भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, वहाँ पे उसको कोई भी अंग विकलांग पैदा होने वाला है, तो वहाँ पे फीटिसाइड करने का सोच रहे हैं पेरेंट्स, तो मदर सोच रही है वो शी शुड बी अबाउट 35 इयर्स। पहली बात, अगर प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए जो भी मदर है शी शुड बी नियर एटलीस्ट 35 और बिलो 35 इयर्स, 35 के ऊपर तो जब भी प्रेगनेंसी होता है तो वहां पे बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि फीटस जो है अंग विकलांग पैदा होना जो है बहुत ज्यादा चांसेस वहां पे रह जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, शी शुड बी मोर देन prenatal diagnosis, she should be more than 35 years. Okay. दूसरे जो है she should have undergone spontaneous abortion. Abortion, बिना वजह के abortion हो रहा है वहाँ पे, अगर 2-3 times उसका abortion already हो चुका है तो उस केस में PNDT का permission एक clinician देना चाहिए. Okay, वहाँ ही। और दूसरी बात जो है टेराटोजेनिक एजेंट्स लाइक रेडिएशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, केमिकल हुआ, बिकॉज ऑफ दैट द टेराटोजेनिसिटी, पोटेंशियल ऑफ द टेराटोजेनिसिटी इज वेरी हाई, तो वहाँ पे अगर वेरी हाई है तो उसके लिए PNDC दैट इज प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है करना चाहिए और इस प्रैक्टिस किया जाता है। तो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कोई डॉक्टर कर रहा है तो उसके लिए उसका लाइसेंस जो है
परमानेंटली भी कैंसिल हो सकता है अगर उसका एक प्रैक्टिस सब्सिक्वेंटली बना हुआ है, तो अगर एक बार करता है तो 2 years के लिए उसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है, सिर्फ एक बार के लिए अगर वो पकड़ा जाए तो 1-2 साल के लिए उसको लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है और उसको पेनल्टी अराउंड 50,000 का पेनल्टी भी उसको चार्ज किया जाता है। अगर वो सब्सिक्वेंट उसका प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन में कोई भी क्लिनिशियन रेडियोलॉजिस्ट जो भी US अल्ट्रासोनोग्राफी का सेंटर चला रहा है या फिर एक दूसरे टेक्निक से सिटी स्कैन से भी पता कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपना रूटीन बना चुका है, तो उसके लिए परमानेंट लाइसेंस कैंसिलिंग जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट द PNDT एक्ट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे PNDT, दैट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का, टू स्टॉप द फीटस अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड को एक स्ट्रांगली स्टेप लेके स्टॉप करने का ही इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ओके, और PNDT करने के लिए स्पेशल परमिट होना पड़ता है। PNDT प्रीनेटल डायग्नोसिस, इट इज अ काइंड ऑफ डायग्नोसिस, इट इज नॉट अ क्राइम वर्क। जब कभी भी वहाँ पे अगर फीमेल को लगता है, फिर क्लिनिशियन को लगता है कि हाँ भाई फीटस के अंदर कोई टेराटोजेनिसिटी है, वहाँ पे बच्चा अंगविकलांग पैदा होने वाला है, या फिर यहाँ पे फीटस से मदर को नुकसान होने वाला है, तो वहाँ पे वो सजेस्ट कर सकता है कि यू गो फॉर द अबॉर्शन, ना कि सेक्स अगर फीमेल है वहाँ पे, अंदर का बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो फीमेल है, तो वहाँ पे वो इंडिकेट नहीं कर सकता। इसके अगेंस्ट सख्त कानून है, वो रहेगा PNDT एक्ट 1994, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स रेशियो एंड द PNDT एक्ट 1994। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल को और दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए गुड डे।